अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत अली चीमा, बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज मैं फिर मौजूद हूं सफारी गार्डन हाउसिंग स्कीम लाहौर में, और मैंने गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस में आपको इकबाल ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इकबाल ब्लॉक के बारे में मज़ीद अपडेट्स भी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 23 मार्च 2022 को इकबाल ब्लॉक की बैलेटिंग हो रही है, प्लॉट नंबर अलॉट हो रहे हैं, और 1 जनवरी से इकबाल ब्लॉक की प्राइसेज रिवाइज़ हो रही हैं, जिसमें 2 लाख रुपये का इजाफा होने जा रहा है। तो आज की वीडियो मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक दिन रह गया इसकी प्राइस बढ़ने में। अगर मेरे वो दोस्त जो भाई जो कि इकबाल ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं और पुराने रेट्स में अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर तक अपनी बुकिंग को इंश्योर कर लें, क्योंकि 1 जनवरी से जो आप बुकिंग करवाएंगे वो 2 लाख रुपये के इजाफे से करवाएंगे। इससे पहले हम इकबाल ब्लॉक में जो प्लॉट आपको सेल कर रहे थे, उसमें 3 मरले के प्लॉट की जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो 12 लाख रुपये थी, और 5 मरले के प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड थी 20 लाख रुपये। अब 1 जनवरी से ये दोनों प्राइस बढ़ जाएंगी, 3 मरले का प्लॉट 12 से बढ़ के 14 का हो जाएगा और 5 मरले का प्लॉट 20 से बढ़ के 22 लाख का हो जाएगा। तो अब समझदारी का फैसला यही है कि आप लोग अगर इकबाल ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं तो आप 1 जनवरी से पहले पहले अपनी बुकिंग करवा लें, ताकि आप लोगों का 2 लाख रुपये सेव हो सके। इसमें सिर्फ एक दिन रह गया जो कि 31 दिसंबर का है। 31 दिसंबर के बाद अगर आप बुकिंग करवाएंगे तो आप पे नई प्राइसेज एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगर आप आज के दिन यानी कि 31 दिसंबर को अपना प्लॉट बुक करवा लेते हैं या रिज़र्व करवा लेते हैं, टोकन दे के भी रिज़र्व करवा लेते हैं, तो आप पे पुरानी प्राइसेस ही अप्लीकेबल रहेंगी। और अगर आप 1 जनवरी को आते हैं तो फिर आपको नई प्राइसेस में प्लॉट मिलेगा जो कि 2 लाख रुपए के इजाफे के साथ हैं। अब फैसला आपके हाथ में, सिर्फ एक दिन रह गया 31 दिसंबर का कि आपने 2 लाख रुपये सेव करने हैं या इसके बाद 2 लाख रुपये के इजाफे के साथ आपको प्लॉट ख़रीदना है। ये थी जी आज की याद दहानी की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बान अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।